नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। डीजल से भरे हुए टैंकर में आग लग गई, जिसके बाद टैंकर धू धू कर जलने लगा। आपको बता दें कि एक हादसा अमलूरी खदान में हुआ, जहां एनसीएल वर्करों में भारी आक्रोश है, तो सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल भी खुल गई है। एनसीएल को लाखों रुपए का भी नुकसान हुआ है। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही टैंकर जलकर खाक हो गया। वहीं अब बताया जा रहा है कि ये एक महीने के भीतर ही दूसरा हादसा है। कुछ दिन पहले ही जैन परियोजना में इस तरह से हादसा हुआ था। एनसीएल नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी में अधिकारियों की लापरवाही से आए दिन कोई न कोई हादसा हो रहा है, जिससे एनसीएल को भारी नुकसान के साथ ही वर्करों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। कुछ दिन पहले जैन परियोजना में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद अब अमलोरी परियोजना कोयला खदान में बड़े हादसे ने एनसीएल की सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है। पूरा अभी नहीं फटा है सर। कोयला खदान अमलोरी में टैंकर डीजल भरकर बड़े वाहनों मशीनों में भरने की रोज की तरह ही जा रहा था कि अचानक टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर ने तो किसी तरह से कूदकर जान बचा ली, लेकिन टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हादसे की खबर के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंचने से पहले ही सब कुछ खाक हो गया। वहीं सूत्रों ने बताया कि रेस्क्यू में जाने वाली टीम का वाहन खुद ही रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार कुछ लोगों को चोटें आई हैं। वहीं लगातार हो रही घटनाओं को लेकर एनसीएल के वर्करों में काफी आक्रोश है। सुरक्षा और मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने लाखों खर्च होते हैं, मगर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। फट गया। हम देखे फटते हुए। हाँ, अभी भी पूरा बढ़िया से फटा नहीं है। अभी भेज देंगे इसी को। आवाज क्या नहीं फटा गया? पूरा अभी नहीं फटा है सर। वहाँ पर स्विच है, सबसे पहले गलत गलत तो वहाँ स्विच है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।